हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। इस रेसिपी की खास बात यह है कि हम एक आटे के डो से हम दो तरीके की डिश बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो के लास्ट में पता चलेगा कि हमारी दो डिश कौन सी बनके तैयार होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ये मैंने थाली के अंदर 1 किलो मैदा ली है और मैदा के अंदर मैंने 1/2 चम्मच के बराबर नमक डाला है, और आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वादानुसार। और मैंने इसके अंदर 1/2 कप देसी घी डाला है, अगर देसी घी ना हो तो आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मेरा देसी घी है मेरी मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, मेरा जो देसी घी मैंने इसमें डाला था वो हमारी मैदा में एकदम सेट हो चुका है। ये जो मेरे हाथ में जो ये लड्डू बन के आ रहा है, तो ये मेरी मैदा का साइन है कि जो मैं मैदा का डो बनाऊंगी वो एकदम परफेक्ट बने हैं। इसको मैं हल्के गुनगुने पानी से गूंथ लूंगी। हमको ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना है, अगर हम ठंडा पानी से अपने मैदा को गूंथेंगे तो हमारे जो मैदा का डो है वो टाइट बन जाएगा और हमें इस अपनी मैदा को बेलने में नहीं आएगी। इसको हल्के हाथों से गूंथना है मैदा को, जब तक गूंथें जब तक कि हमारी मैदा जो है वो देसी घी अपना ना छोड़ दे। ये देखिए, मैंने अपनी मैदा को हल्के हल्के हाथों से गूंथ रही हूँ और मेरी मैदा जो है वो अपना घी छोड़ दी है। और हमें देखिए, मेरी मैदा सॉफ्ट भी हो गई है। हमें अपनी मैदा को तब तक गूंथना है जो वो तेल छोड़ने के साथ साथ जो मेरी मैदा सॉफ्ट भी हो जाए। मैदा गूंथने के बाद इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि मैं अपनी इस मैदा के डो से दो तरीके की डिश बनाऊँगी, तो मैंने इसको अपने दो हिस्सों में बाँट लिया है। तो पहले मैं बनाऊँगी काजू पारे, वो भी बिना किसी झंझट के और बिना किसी सांचे के। ये मैंने रोटी के जैसी एक लोई बनाई है, जैसे हम अपनी रोटी के लिए बनाते हैं। इसको मैं अपने हाथ से बड़ा करके फिर मैं बेलन की सहायता से इसे रोटी का आकार दूंगी। जैसे रोटी हम बहुत ज़्यादा पतली बनाते हैं, हमें उतना पतला नहीं बनाना है, उससे थोड़ा मोटा बनाना है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में जो बोतल का कैप होता है, घर में वेस्टेज बोतल पड़ी होती हैं, ये मैंने उस कैप को मैं लेके अपने काजू पारों की शेप दूंगी। हम बिना किसी मोल के, बिना किसी सांचे के, बिना किसी झंझट के घर पे काजू पारे एकदम बाजार जैसे बना पाएंगे। ये देखिए, मैं अपने ढक्कन को ऐसे डिप कर रही हूँ, मैं हाफ डिप करूँगी। मुझे अपने बोतल के ढक्कन को पूरा डिप नहीं करना है, और मेरे जो काजू की शेप है ये बाहर निकल के मेरे हाथ में आ रही है। ये देखिए, मैं हाफ कर रही हूँ, अगर आप पूरा करोगे तो काजू की शेप नहीं निकलेगी। ये मुझे हाफ करना है, लेयर बाई लेयर मैं अपनी रोटी को ऐसे करती रहूँगी ऊपर तक। इसी तरीके से मैं अपने सारे बनाऊँगी, तो आप लोग भी प्लीज़ इसको ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही आसानी से आप घर पर काजू पारे बना पाएंगे। जो मेरी मैदा बची हुई है, एक एक करके मैं अपनी मैदा की बची हुई की लोई बनाऊंगी, और लोई बना के मैं फिर से अपने काजू की कटिंग करूंगी। ये देखिए, मैंने अपने सारे काजू पारे की कटिंग कर ली है, मैंने प्लेट को इसमें रख लिया है। आप चाहो तो न्यूज़पेपर पे भी रख सकते हैं ताकि ये आपस में चिपके ना। ये मैंने एक पैन के अंदर अपने तेल को गर्म करके रखा हुआ है, मीडियम टू हाई फ्लेम, ज़्यादा तेज़ गैस पर ना चलाएँ। ये मैं अपने जो काजू पारे हैं मैं इनको एक एक करके इसमें डाल दूंगी, सारे एक साथ ना डालें ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। ये देखिए, मैंने अपने सारे काजू पारे इसके अंदर डाल दिए हैं, ये मेरे फ्राई हो रहे हैं। 6 से 7 मिनट तक ये फ्राई होने के लिए इसको छोड़ दें मीडियम गैस पे, तेज़ गैस ना करें। अगर हम इसको तेज़ गैस करेंगे तो हमारे जो काजू पारे हैं वो बाहर से तो फ्राई हो जाएंगे, उनका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है मेरे काजू पारों पे, और अंदर से जो मेरे काजू पारे हैं वो कच्चे रह जाएंगे। आप चाहो तो आप मसाले वाले भी बना सकते हैं। आप मैंने तो सिंपल बनाए हैं, मैं वो भी बताऊँगी वीडियो के लास्ट में कि आप मसाले वाले काजू कैसे बनाएं। ये मेरे काजू पारे फ्राई हो गए हैं, मैं इनको प्लेट पे बाहर निकाल रही हूँ। ये देखिए, मेरे जो काजू पारे हैं वो अंदर तक एकदम सिक गए हैं, ना तो ये टूट रहे हैं और इन पे कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो देखिए, मेरे काजू पारों का साइज भी और टेस्ट भी एकदम लाजवाब है, मार्केट स्टाइल जैसा। अब आप घर पे आसानी से काजू पारे बना सकते हैं। ये मेरी बची हुई दूसरी साइड वाली मैदा है। एक मैदा का तो मैंने काजू पारे बना लिए थे, दूसरे वाले हिस्से का मैं बनाऊंगी शक्कर पारे, क्योंकि बहुत से लोगों को मीठा भी बहुत पसंद होता है, तो हम थोड़ा कुछ मीठा बनाते हैं। ये मैंने फिर से एक रोटी जैसी लोई बनाई है, इसको मैं रोटी का आकार दूंगी, बेलन की सहायता से मैं इसको बड़ा कर लूँगी। मुझे रोटी जितना, फिर से मैं बता रही हूँ, मुझे रोटी जितना इसको पतला नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा मोटा लेना है, 1/2 इंच के बराबर। और इसको मैं किसी बोतल के कैप से मैं इसको डिज़ाइन नहीं दूंगी, ये मैं जो
शक्कर पारे बनाऊंगी, क्योंकि मार्केट से जो शक्कर पारे आते हैं वो सीधे आते हैं, तो मैं इसको चाकू से सीधा सीधा रोटी को अपना एक एक इंच के ऐसे कटिंग कर लूँगी लंबे लंबे। आप चाहो बड़ा छोटा कट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है कि आपको बड़ा पसंद है या छोटा खाना पसंद है। लेकिन मार्केट में तो ये बड़े साइज़ वाले ही सेल किए जाते हैं, तो मैं मार्केट स्टाइल में बना रही हूँ, तो मैं बड़ी कटिंग ही फ्राई करूँगी, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि बहुत से लोगों को छोटी चीज़ें भी पसंद होती हैं। ये मैंने अपने काजू पारे वाला जो मेरा तेल था, मैंने उसी तेल में मैं इसको फ्राई करूँगी और इनको मैं अपने छोड़ दूँगी। मुझे इनको अलग अलग करके छोड़ना है तेल की कढ़ाई के अंदर, ताकि हम एक साथ डालेंगे तो मेरे ये फिर से जो शक्कर पारे हैं ये एक साथ चिपक जाएंगे और ये फिर अलग नहीं होंगे। ये देखिए मैंने अलग अलग डाले हैं, तो मेरे ये अलग अलग फ्राई होके आ रहे हैं। और इनको मुझे, जैसे मैंने काजू पारे मीडियम गैस पे किए थे, तो मुझे जो शक्कर पारे हैं एकदम मीडियम फ्लेम पे करने हैं, ताकि जो मेरे शक्कर पारे हैं उन पे अच्छे से कलर आए और वो अंदर तक क्रिस्पी हो जाएं। ये देखिए मेरे जो शक्कर पारे हैं वो एकदम सिक चुके हैं अच्छे से, इनको मैं प्लेट पे बाहर निकाल लूँगी। और इसी तरीके से मैंने ये सारे बाहर निकाल लिए हैं और ये मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। और इसके लिए मैं चाशनी बनाऊंगी। जो मार्केट वाले शक्कर पारे होते हैं वो चाशनी में डुबोकर सेल किए जाते हैं, तो इसी तरीके से मैं पहले चाशनी बनाऊंगी। ये मैंने एक भगोने के अंदर मैं चीनी डालूंगी 3 कप, 3 कप के बराबर मैंने ये चीनी ले ली है। और इस चीनी के अंदर मैं डालूंगी 1 कप के बराबर पानी। इसके अंदर ज़्यादा पानी ना लें, पानी सिर्फ मैंने इस वजह से डाला है ताकि जो मेरी चीनी है वो अच्छे से घुल जाए। अगर मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी तो मेरी चाशनी जो चीनी का बनेगी वो नीचे से जल जाएगी। और ध्यान दें, मुझे ये हमेशा स्टील के भगोने में नहीं बनाना है, चाशनी हमेशा सिल्वर के भगोने में ही बनानी है। हमें इसे चाशनी भी नहीं बनानी, बस अपनी चीनी को इतना पकाना है ताकि जो मेरा पानी है मेरी पानी में चीनी घुल जाए। अभी जो चीनी वाले पानी को मैं अपने शक्कर पारों के ऊपर डाल दूंगी। ये देखिए मैंने डाल दिए हैं, और मैंने डालने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दिया था अपने शक्कर पारों को, और ये मेरे शक्कर पारे ऐसे मार्केट स्टाइल में मुझे तैयार हुए हैं। देखिए दोनों चीज़ें एकदम बहुत ही अच्छी बनी हैं और उनका खाने में भी स्वाद है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक कमेंट करके बताएं। मसाला काजू के लिए हम अपने काजू पारे के अंदर मैगी मसाला डाल लें या फिर चाट मसाला डाल के भी हम अपने काजू पारे को काजू मसाला बना सकते हैं।